Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Trackers. This is Kavita. So today we have a very interesting question and a session which talks about कि क्या हमें SSB interview देना चाहिए अगर हमने कम preparation करी है या हमारे पास preparation के लिए कम time बचा है. Specially I keep getting these questions from fresher students जिन्होंने final appear just फाइनल ईयर को जस्ट अभी ख़त्म करा हुआ है एंड एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं. वो पैशनेट हैं सर्विसेज को लेके, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, नाउ दे आर गोइंग टू अपेयर फॉर SSB इंटरव्यू. तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपके ग्रेजुएशन के रिजल्ट आते हैं और आपने किसी प्रीवियस एंट्री में अप्लाई किया होता है जिसका कोर्स कमेंस अक्टूबर में होता है एंड देयर आफ्टर आपके जो SSB फॉल आउट करते हैं समवॉट इट इज़ इन ऑगस्ट, सेप्टेम्बर और अक्टूबर. सो ऑल इन ऑल द क्वेश्चन इज कि क्या अगर हमारे पास एक हफ्ते है, 15 दिन है, 10 दिन है प्रिपरेशन के लिए, तो क्या हमें SSB इंटरव्यू में जाना चाहिए, या हम में बिल्कुल नॉलेज नहीं है SSB इंटरव्यू की, हम फ्रेशर हैं तो क्या हमें SSB इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए. सो वी विल बी आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. सो टू द ऑल दिस क्वेश्चंस द आंसर इज येस, यू शुड गो फॉर SSB इंटरव्यू. I will tell you the fact that SSB interview is not a difficult test, but it is a series of, you know, test which talks about your mental behavior, social behavior, physical behavior, your attitude, your personality, and the overall well-being, your surroundings, each and everything. So SSB interview कोई ऐसा, you know, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है या थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है जिसको आप यू नो रटेंगे और आप समझ जाएंगे और मेमोराइज करके यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन. दिस एग्जामिनेशन टॉक्स अबाउट एंड रिवॉल्व्स अराउंड ऑल द प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारे पास होती है, ऑल द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विच वन अप्लाई इन आर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो इट also does not mean कि आपको SSB interview में किसी preparation की ज़रूरत नहीं है, but yes, I will never say anybody to stop or refrain themselves from going to SSB interview. इसके दो important reasons है. First is कि you never know कि अगली entry में आपको किस तरह की opportunity face हो, आप shortlist हों कि ना हो, because बार बार opportunity नहीं मिलती है. Secondly, being a fresher, आपके पास एक golden opportunity होती है. Why? Because जब आप किसी चीज़ को जानते नहीं हैं और उसे first attempt में clear करते हैं, so it is counted as a big achievement. ये हमारी छोटी सी life में भी होता है कि अगर हम कोई काम बहुत easily पहली बार में कर लेते हैं, so you know we say कि yes यार हमारे पास तो knowledge नहीं थी, but फिर भी हमने इस चीज़ को clear किया. द सेम वे गोज़ फॉर SSB इंटरव्यू. तो इसलिए थोड़ा सा अपर हैंड होता है कि अगर आपको SSB इंटरव्यू की नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास वो स्किल्स हैं विच हैज़ हेल्प यू टू क्लियर SSB इंटरव्यू, दैट मीन्स कि जब आप ट्रेन होंगे तो यू विल बिकम अ गुड ऑफिसर. सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर SSB इंटरव्यू एंड नेवर स्टॉप योर सेल्फ फॉर गोइंग SSB इंटरव्यू. Talking about SSB interviews, it is not that light examination and it is not that difficult examination also. अगर आप preparation करेंगे, does not matter आपका competition किससे है, कितनी vacancies हैं, but you will clear it. So talking about SSB interview, 5 दिन का process होता है. Important होता है stage 1, which is screening and PPDT, जहाँ पे maximum failures होते हैं. So बहुत सारे, you know, आपने देखे होंगे, experiences सुने होंगे, सबके अपने experience होते हैं, आपकी अपनी एक्सपीरियंस होंगे, आपकी अपनी स्टोरी होगी. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपके ट्रेट्स अलग हैं, आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ अलग होगी, आपकी नेगेटिव स्ट्रेंथ अलग होगी. सो ऑल यू नीड टू नो इज कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको SSB इंटरव्यू का पता होना चाहिए कि क्या आता है एग्जामिनेशन में, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते. तो ऑब्वियसली एक वेल स्ट्रैटेजाइज्ड अप्रोच, प्रिपरेशन जरूर चाहिए होती है SSB इंटरव्यू के लिए, बट अगर आपके पास कम टाइम भी है तो भी यू कैन गो फॉर SSB इंटरव्यू. आपको थोड़ा सा और एडिशनल काम करना पड़ता है अपने स्किल्स पे, अपने स्किल्स को थोड़ा सा और पॉलिश करना होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि टाइम कम होता है तो टाइम कम के अकॉर्डिंग आपके पास फिर ये टाइम नहीं होता कि यू कीप ऑन डूइंग रिसर्च कि SSB के लिए मटीरियल्स कहाँ से देखेंगे या SSB की प्रिपरेशन कैसे करेंगे. यू ऑन दैट टाइम यू रिक्वायर समबडी टू गाइड यू कि येस दिस यू आर डूइंग wrong, this should be like this, or you have these skills, you need to show up these skills. तो इस तरह से कोई आपको, you know, support करने वाला, बताने वाला चाहिए. So तब जाके आप अपने कम time में SSB interview की preparation कर सकते हैं. So skills आपके पास होती हैं, you always just need to
पॉलिश देम अप एंड आइडेंटिफाई कि कौन सी आपको हेल्प करेंगी, कौन सी आपको यू नो रिफ्रेन करेंगी सिलेक्शन के लिए. सो SSB इंटरव्यू के अब डिटेल में मैं आपको बताती हूँ डे वाइज क्या होता है, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. 5-day SSB इंटरव्यू प्रोसेस आप सबको पता है कि चाहे आप कोई एग्जामिनेशन देके आते हैं या जब एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्ट होते हैं तब आप फेस करते हैं SSB इंटरव्यू. ठीक है, किसी भी एंट्री के बाद, चाहे क्लास 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं अपने रेस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर्स में, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं एंड यहाँ स्क्रीनिंग से आते हैं आप स्टेज 1 में. सो ये जो ऊपर का प्रोसेस है दिस इज नोन एज स्टेज 1 टेस्ट, जिसे PPDT टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. इस स्टेज 1 की टेस्टिंग में आपके वेरियस एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी भी डिटेल में मैं अभी आऊंगी, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देती हूँ. स्टेज 1 जब आप कंप्लीट करते हैं देन यू स्टे एट सिलेक्शन सेंटर, 2 से 5 दिन का प्रोसेस जहाँ पे आप फेस करते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस. इन बिटवीन कॉन्फ्रेंस आपके होते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, आपके होते हैं GTO टेस्ट एंड आपका होता है SSB इंटरव्यू. लास्ट डे इज योर कॉन्फ्रेंस. जब आप इस कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करते हैं यू गेट रिकमेंडेड एंड देन यू प्रोसीड फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कंप्लीट SSB प्रोसेस का. अब आ जाते हैं थोड़ा सा SSB के और डे वाइज टेस्टिंग या स्टेज वाइज टेस्टिंग डिटेल्स पे. तो इम्पॉर्टेंटली सबसे मेजर होता है स्टेज 1 टेस्टिंग. स्टेज 1 टेस्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 टेस्ट होते हैं, OIR एंड OLQ टेस्ट, विच इज़ अ जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट. 15 से 17 मिनट का ये टेस्ट होगा. 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आपको वो सॉल्व करना होता है. देयर आफ्टर यू हैव दिस PPDT टेस्ट जहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई जाती है. 5 मिनट में यू हैव टू राइट द एक्शन ऑफ द पिक्चर एंड द स्टोरी अराउंड द पिक्चर. देयर आफ्टर यू प्रोसीड विद नरेशन एंड उसके बाद होता है आपका GD. जो कैंडिडेट इन चारों डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं वो आगे जाते हैं SSB इंटरव्यू स्टेज 2 में, जहां उनके डे 2, डे 3, डे 4 एंड 5 में रेस्पेक्टिव टेस्ट होते हैं. ठीक है, अब डे 2, 3, 4, 5 में आपका आता है साइकोलॉजी टेस्ट. 2 दिन आपके चलते हैं GTO टेस्ट. हर GTO टेस्ट में अलग अलग टास्क होते हैं. सो टोटल GTO में आपके होते हैं 9 different types ऑफ टेस्ट, इंक्लूडिंग रिटन एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग ओरल एग्जामिनेशन, इंक्लूड्स फिजिकल टेस्ट ऑल्सो. उसी तरह साइकोलॉजी इज कंप्लीटली रिटन एग्जामिनेशन. यहाँ पे आपको 2 से 2.5 घंटे में बैक टू बैक लिखना होता है. सो वन थिंग विच आई विल टेल यू इज इंपॉर्टेंट फॉर SSB इंटरव्यू इज टाइम मैनेजमेंट एंड द स्पीड ऑफ राइटिंग. अगर ये 2 चीजें आपके पास नहीं है तो सबसे पहले अपने SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मेक श्योर यू वर्कआउट ऑन योर टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड इन SSB इंटरव्यू. ठीक है, इसके अलावा चाहे आप रिपीटर हो या फ्रेशर हूँ, क्वेश्चन दिमाग में बहुत सारा आता है कि यार OIR हमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या होता है रेटिंग का बेसिस, PPDT अच्छा नहीं परफॉर्म किया सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, साइकोलॉजी में क्या अप्रोच करना चाहिए, कितने टैट्स, कितने बैट्स, कितने SRTs हम लिखेंगे तो हम सेलेक्ट होंगे, किस तरह के स्टेटमेंट्स हमें लिखने चाहिए, किस तरह से हमें अपनी SD लिखनी चाहिए, क्या हमें रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें कहीं पर गाइड मिल गई, कोई बुक मिल गई तो क्या हमको उससे रेफर करके, उससे अलाइन करके आपने SD को या TAT, BAT, SRTs के आंसर्स को उस तरह से उस वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए. सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. टू टेल यू ऑल दिस, सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनालिटी, दैट आई कीप ऑन टेलिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज देयर इंडिविजुअल पर्सनालिटी. कुछ स्ट्रेंथ सब में होती है, कुछ वीकनेसेस सब में होती है. नाउ इफ वी लीव अबाउट द स्ट्रेंथ, सो जो वीकनेसेस होती है फोकस हमें उन पर करना होता है एंड उन वीकनेसेस को एटलीस्ट इफ वी कैन यू नो ट्राई टू सुपर इम्पोज आर स्ट्रेंथ्स ओवर देन वीकनेस. मतलब ये हुआ कि क्या हम उन स्ट्रेंथ्स को छुपा सकते हैं एंड एग्जामिनेशन में उस करेंट सिचुएशन में अपने पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ आके उस एग्जामिनेशन को अगर हम क्लियर करते हैं तभी हम SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं. बिकॉज आई विल टेल यू, आप कितनी भी प्रिपरेशन करके जाओ SSB इंटरव्यू की, डेफिनेटली नॉलेज आपको हेल्प करती है कि हर टेस्ट में क्या एग्जामिनेशन होगा, किस तरह का पैटर्न आप फेस करेंगे, क्या क्वेश्चन आप फेस करेंगे और उससे रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मूड एंड वॉट काइंड ऑफ
आंसर्स यू गिव ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो. एट टाइम्स ऐसा कई बार हुआ है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके गए हैं, बट द मोमेंट आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठते हो या टेस्ट देने बैठते हो, आपका माइंड टोटली ब्लैंक हो जाता है एंड यू गिव ब्लंडर रिप्लाइज या ऐसे रिप्लाइज जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. एंड देन अगेन ऑल योर क्वेश्चंस कम आउट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट यू हैव गिवन, विच माइट बिकम द रीजन ऑफ फेलियर अगर आपने उसको ब्लंटली या अब्रप्टली बिना सोचे समझे बोल दिया है. तो आइदर यू विल बी अ गुड मैनेजर, तो आप मैनेज करने में उसे सक्सेसफुल रहेंगे, इफ नॉट देन दैट बिकम्स द रीजन ऑफ फेलियर, चाहे आपने पूरा एसएसबी इंटरव्यू क्यों ना दिया हो. तो इस एसएसबी इंटरव्यू में आपको हर स्टेप पे एक्चुअली बहुत केयरफुल, बहुत कॉन्शियस रहना होता है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इस कंप्लीट सीरीज ऑफ टेस्ट में आपका जो परफॉर्मेंस है दैट्स ऑन अ सेम स्कोर, यानी जो ग्राफ होना चाहिए दैट शुड बी एवरेज थ्रू आउट ऑल द एग्जामिनेशन. इट शुड नॉट बी वेरी हाप वेरी हाई और वेरी लो फॉर वन पर्टिकुलर एंड द अदर. ठीक है, सो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा एसएसबी क्रैकर वही होता है जो हर स्टेज में परफॉर्म करता है अच्छे से, इररेस्पेक्टिव कि उसने पास्ट के एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस कैसे गई है. सो टाइम एंड स्पीड समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू यू शुड वर्क ऑन. एंड सेकंड एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स. एसएसबी प्रिपरेशन में कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है. अगर आप इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हैं, इंट्रोवर्ट मीन्स अगर आप लोगों से बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. सो ये दो से तीन चीज़ें सबसे पहले तो आपको काम करना शुरू करना होगा, बिकॉज इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, जिसमें यू नो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम क्या हम हिंदी में एग्जामिनेशन देंगे. आई विल टेल यू कि ऑनेस्टली वहाँ पे कोई मना नहीं करता आपको हिंदी में बोलने के लिए, बट यू ऑल्सो नो दैट कि यू आर गिविंग एन ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन एंड डिफेंस में जो प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है दैट इज यूजली इंग्लिश ओनली. सो डेफिनेटली एक अपर हैंड होता है उन स्टूडेंट्स के पास जो इंग्लिश में अपनी कॉन्वर्सेशन करते हैं. सो इफ नॉट, एटलीस्ट आप धीरे धीरे बोलना सीखे, अपनी कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश लेके आए, तो ये जो टेन्योर मिलता है आपको एप्लीकेशन फाइल करने से पहले या एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू तक, यूटिलाइज दिस टेन्योर विद रिगरस प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यू अगर आप सीरियस है अपने पर्टिकुलर अटेम्प्ट को लेके. बिकॉज ये भी मेरे पास फेलियर स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस आए उसमें ये भी था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एडमिट किया है कि वो सबसे बड़ी गलती होती है जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू को लाइटली लेते हो एंड ये सोचते हो कि एसएसबी इंटरव्यू तो यू नो एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले या 10 दिन पहले प्रिपेयर हो जाएगा. तो इस तरह के भी फीडबैक्स मेरे पास आए हैं. स्टूडेंट्स हैव बीन टू इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो जहाँ पे उन्होंने एसएसबी जाने से एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले कोचिंग ली है, बट इट्स ऑफ नो यूज़ क्योंकि स्टेज वन में ही वो आउट हो जाते हैं, तो आगे तक जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता. सो माई मेन कंसर्न एंड मेन फोकस इज दैट सबसे पहले तो आपको इन पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए एंड देयर आफ्टर आपको स्टेज वन को फोकसली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फेलियर रेशियो होता है दैट इज मोर देन 80% to 85%, क्योंकि जो सक्सेस रेशियो होता है दैट्स ऑलमोस्ट 5 to 10%. ठीक है, अब आ जाते हैं आपके साइकोलॉजी पे. जैसे मैंने बोला साइकोलॉजी में बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, आपके टैट होते हैं, वैट होते हैं, एसआरटीज होते हैं, देन यू हैव योर एसटीज. इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं. नाउ इसमें डेफिनेटली क्वांटिटी इज समथिंग विच मैटर्स. अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर 60 क्वेश्चंस टोटल आते हैं तो यू आंसर ओनली 10 and 15. क्वालिटी विथ क्वांटिटी मैटर्स. ठीक है, दोनों ही चीज़ें. सो यू हैव टू टेक केयर कि आप एक एग्जामिनेशन में बैठे हैं, सो आपको एक सूटेबल नंबर ऑफ क्वांटिटी पे भी काम करना है एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट क्वालिटीज ऑल्सो इन ऑल द रिप्लाइज दैट यू हैव गिवन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 45 को आंसर किया है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि हर 45 में आपका जो लेवल ऑफ रिप्लाई है वो, अगर मैं आपको 1 to 5 के पैरामीटर में जज करूँ एंड यू समवेयर फॉल बिटवीन 3 to 4 में, आपके रिस्पॉन्सेज 3 to 4 मार्क्स हर रिप्लाई में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ 45 10 क्वेश्चन में आपके 3 to 4 मार्क्स आ रहे हैं, फिर देर आफ्टर 15 क्वेश्चंस में यू गेटिंग 0, 10 क्वेश्चंस में यू गेटिंग 1 to 2. इस लेवल के अप्रोच नहीं होने चाहिए, दैट मेक्स योर कैंडिडेचर यू नो नेक्स्ट टू द रिजेक्शन लेवल. तो
बहुत सारी चीजों पे बात करनी होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंसिडर करने के लिए. ये डिटेल, ये डिस्क्रिप्शन नो बडी एक्चुअली टेल्स यू, एंड वी हैव एक्चुअली फिगर्ड इट आउट वर्किंग विद स्टूडेंट्स. उनकी रियलिटी प्लस पर्सनली लेवल पे, व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, मेरे जो फ्रेंड्स रिजेक्ट हुए थे या मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, तो आई हैव एनालाइज्ड ऑल दिस थिंग्स. द सेम एनालिसिस वॉज यू नो मेड आउट वेन माई ब्रदर गॉट इन टू द सर्विसेज इन टू हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. प्लस आफ्टर ट्रेनिंग 10,000 प्लस स्टूडेंट्स, यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव रिगार्डिंग दिस SSB इंटरव्यू एंड यू नो द अप्रोच दैट वन शुड हैव. सो द इन अ सिमिलर मैनर मैं आपको ये बोल रही हूँ. प्लस यू नो वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन हैविंग दिस प्रॉब्लम कि यार कहाँ से पढ़ना, बिकॉज इनिशियली मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, फ्रॉम वेयर शुड आई रीड आफ्टर हैविंग फेलियर्स और बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर SSB इंटरव्यू. सो विद ऑल दिस कंपाइलेशन, सक्सेस फेलियर्स, या जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे कि कितने VAT अटेंड करने चाहिए, SRTs करनी चाहिए, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल, इन सब के लिए हमने क्या किया है कि हमने बेसिकली एक पैकेज तैयार किया है. पैकेज में बुक पैकेजेस हैं, तो इट्स वेरी सिंपल. आप घर बैठ के सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन 1 से 2 महीने में. टेन्योर में आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं. आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं. इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट घर बैठ के बेसिक लेवल से प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, यानी आपको अगर SSB का ए भी नहीं आता है, तो जब आप इन बुक्स को रेफर करेंगे तो आपको किसी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई और डाउट परसिस्ट नहीं करेगा. इन बुक्स के अलावा सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू कि वीडियो लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं. वीडियो लेक्चर्स आपको विद पिक्चर सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देते हैं. उसके बाद आप इन बुक्स के साथ सैम्पल एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जिसमें 250+, 1,000+, 500+ इस तरह के सैम्पल्स आपको मिलेंगे. प्लस आपको इसी में प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे. जब आप सैम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जब उसी की तरह प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं. देन आफ्टर हैविंग दिस यू हैव यू नो टेस्ट सीरीज ऑल्सो, आप डायरेक्ट मॉक इंटरव्यू फेस कर सकते हैं मेरे साथ. इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट परसिस्ट करता है, तो वो आप डाउट सेशन मेरे साथ क्लियर आउट कर सकते हैं. पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, मेडिकल ओवरव्यू मिलता है, एंड फाइनल व्हाट शुड बी योर अप्रोच इन द लास्ट डेज टू क्लियर ऑल योर इंटरव्यूज, ये सब आपको इस कंप्लीट पैकेज में मिलता है. सो यू कैन ज्वाइन दिस गाइडेंस प्रोग्राम. अगर आपको लगता है कि जो कंटेंट मैंने बताया इट मेक सम सॉर्ट ऑफ सेंस, यू कैन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर. वी हैव आर वेबसाइट ऑल्सो, यू कैन विजिट ओवर देयर. साथ ही आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलेंगे पैरेलल अपनी ऑल्टरनेट डिफेंस करियर ऑप्शन से रिलेटेड. एंड आई टेल यू, SSB इज नथिंग बिग, इट इज जस्ट दैट आपके पास राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच होनी चाहिए, एंड वी ऑल हैव इट इन आर सेल्फ. एंड मैं ये भी बताऊं कि अगर हम बहुत अच्छे से अपनी SSB प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो आई एम टेलिंग यू, अगर एक वैकेंसी भी होगी ना, सो यू विल डेफिनेटली गेट रिकमेंडेड एंड यू विल मेक इन दैट वन पर्टिकुलर सीट ओनली. इट इज जस्ट दैट कि वंस वी आर थ्रू विद द एग्जामिनेशन, नो तो हम एग्जाम दे के जब आते हैं SSB इंटरव्यू का, इवन ऑन द डे ऑफ स्क्रीनिंग जब आप लोग जाएंगे, तो आपको ये पता भी चलेगा, यू विल रियलाइज दिस ऑल्सो, एग्जाम देने के बाद बाकी लोगों को जब हम फेस करते हैं, तो वी आर सेल्फ रियलाइज कि यार हमने यहाँ पे गलती कर दी है, ये इस एरिया में हम थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे. सो द मोमेंट यू हैव दिस, ये इमिडिएटली शो करता है कि आपने एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं किया, एंड यू गेट स्क्रीनड आउट. दैट मीन्स समथिंग वॉज लैकिंग इन यू. द मोमेंट जब आप एग्जामिनेशन देके आते हैं, यू आर रियली कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं यार मैंने तो बहुत अच्छा किया है, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स, देन इट इज लाइक कि यू विल मेक योर सिलेक्शन इन टू द स्क्रीनिंग अटेम्प्ट एंड इवन आफ्टर स्क्रीनिंग इन द 5th डे एज वेल. ठीक है, तो वो अप्रोच डेवलप करनी है, वो गाइडेंस, वो स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है टुगेदर हमें बिल्डअप करके, सो दैट वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए. एंड दिस इज द सोल एम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म बाय प्रोवाइडिंग द लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ द कैंडिडेट्स. सो anybody who wants to start their SSB preparation, I would suggest start your SSB preparations. Have faith in yourself. आप सबके पास qualities हैं, आप सब कर सकते हैं. It is just that कि आपको अपने ऊपर confident होना है, आपको अपने ऊपर faith रखना है, और एक right guidance के साथ, एक right strategy के साथ शुरुआत करनी है. So I hope this session was useful for you all. I will see you in the next session. Till then, Jai Hind.